नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मिथ सेंट्रोस और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और आज के शो में हमने बुलाया बहुत ही खास मेहमान को, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है, भूपेंद्र सिंह राठौर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू इला जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए, मिथ सेंट्रोस में हम ना भूपेंद्र जी क्या करते हैं, जो भी फील्ड एक्सपर्ट होते हैं, हम उनकी फील्ड से जुड़े जो भी मिथ फैले हुए हैं सोसाइटी में, हम उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप मोटिवेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो मोटिवेशन से जुड़े हुए जितने भी मिथ्स फैले हुए हैं ना, आज हम उनको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो पहला मिथ जो है वो ये है कि जो भी मोटिवेशन होता है वो इनहेरिट होता है, लाइक कि हर इंसान बचपन से ही मोटिवेटेड होता है, उसको आप किसी को भी आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या किसी को आप मोटिवेटेड नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी इंसान को आप इंस्पायर कर सकते हैं और उस इंस्पिरेशन से वो मोटिवेशन आ सकता है। मैं तो जिंदगी भर ना बहुत डीमोटिवेटेड रहा, बट जब मुझे अच्छे टीचर्स मिले, अच्छी संगत मिली, अच्छी आदतें उन्होंने मुझे बताई, तो आई गॉट सुपर इंस्पायर्ड और फिर मोटिवेशन आने लगा और मजा आया और उसके बाद जिंदगी बदल गई। सो आई थिंक इट कैन बी टॉट, इट कैन बी इम्बाइब्ड और इंजेक्टेड इन समबडी विद द राइट एनवायरनमेंट। ओके, दूसरा मिथ है कि जो डर होता है वो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, डर आपका अगर कंट्रोल्ड है और सही चीज का है तो ये बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डर है कि मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा तो ये मेरे लिए डीमोटिवेशन होगा। लेकिन जब मैं इस इंटरव्यू में बैठा हूं और मुझे डर है कि यार कहीं मेरा कोई सवाल का आंसर गलत ना हो जाए, तो ये मुझे अलर्ट करेगा और अलर्ट करने के बाद मैं तैयारी शायद ज्यादा करूंगा और तैयारी अच्छी करूंगा तो मैं अच्छा बोल पाऊंगा। सो जो डर तैयारी को इंस्पायर करता है वो डर आपके लिए हमेशा अच्छा होगा, और जो डर आपकी तैयारी को वीक कर देता है या आपके कॉन्फिडेंस को हिला देता है वो डर आपका अच्छा डर नहीं होगा। अगला मिथ है कि मोटिवेशन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर आप मोटिवेटेड होगे तभी आप सक्सेस पाओगे और सक्सेस पाओगे तभी आपकी जिंदगी में पैसा होगा, तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है उसकी वजह से लोग मोटिवेटेड होते हैं। मुझे लगता है कि लोग सिर्फ रिवॉर्ड के कारण मोटिवेटेड नहीं होते, लोग होप्स के कारण मोटिवेटेड होते हैं कि उनको जब पता होता है कि मैं कुछ अच्छा बन सकता हूँ और वो कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कहते हैं कि हाँ यार आप अच्छा बन सकते हो, तो वो इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो ज्यादा कर पाते हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है योर पैशन, कौन सी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सम राइटर, सम पेंटर, दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है उनकी पेंटिंग कोई ना खरीदे, बट दे आर इंस्पायर्ड टू क्रिएट समथिंग बेटर देन द प्रीवियस वन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फाइंड अ पैशन एरिया या ऐसा एरिया जिसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, इमर्स्ड हो, और फिर आपका मोटिवेशन कोई जिंदगी भर आपसे दूर नहीं ले जा सकता। अगला मिथ, मोटिवेशन कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, फिर भी कई बार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कई बार रिजल्ट्स के कारण डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कभी हेल्थ के कारण, कभी कई चीजें करने की कोशिश करते हैं और नहीं होती है। बट जैसे पेट को रोज खाना देते हो, वैसे ही अगर आप अपने दिमाग को रोज खाना दोगे तो फिर ये कॉन्स्टेंट हो सकता है विद प्रैक्टिस। तो जैसे पहले मैं अगर एक महीना डीमोटिवेटेड रहता था, तो अब उस लेवल पे आ गए कि एक घंटे से ज्यादा डीमोटिवेटेड नहीं रह पाते, तो ये कॉन्स्टेंट तो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, अनटिल अनलेस यू बिकम बुद्धा, जहां पे कि आप एक निर्वाणा को प्राप्त हो गए, वहां पे ये कांस्टेंट रह सकता है। इंसानों के लिए डीमोटिवेशन आएगा, बट इसको पकड़ना कि हाँ अब मैं डीमोटिवेटेड हूं, अब मेरी इंस्पिरेशन जा रही है, और तुरंत उस पे काम करना, दैट विल हेल्प। आखिरी मिथ, मोटिवेशन अकेले ही सक्सेस की गारंटी दे सकता है। नॉट रियली, क्योंकि कई लोग बहुत मोटिवेटेड हैं बट क्या वो हार्ट सर्जरी कर सकते हैं? शायद नहीं। उसके लिए आपको राइट स्ट्रेटजी, राइट ट्रेनिंग, राइट स्किल चाहिए। मोटिवेशन आपको इंस्पायर करता है एक लेवल पे एक्शन लेने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। और अगर आपने वो नया नहीं सीखा, नहीं किया, तो आप कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। आखिर में अगर कोई मिथ मुझसे छूट गया हो तो प्लीज आप बता सकते हैं। बहुत सारे मिथ हैं लोगों के कि यार मैं क्यों मोटिवेशन लूं। ओके, ये सबसे बड़ा मिथ है कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। दोस्तों, समझिए इस चीज को कि अपने माइंड को रोज खाना देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेशन डजंट मीन मोटिवेशन। कोई भी चीज जो आपको थोड़ा इंस्पायर कर सकती है, उसके कारण आपका एक्शन ज्यादा हो सकता है और उसके कारण आपको माइलेज ज्यादा मिल सकता है। एंड मोटिवेशन का रियल टेस्ट तब होता है जब आपकी लाइफ में बुरा वक्त आता है, और जनरली बुरे वक्त में लोग जानते नहीं है कि कैसे अपने आप को डील करना है। इसीलिए दोस्तों, मोटिवेशन ही नहीं, इंस्पिरेशन, अच्छी थॉट, अच्छे विचारों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और उनको
अपने जिंदगी में लाने के लिए हर वो चीज करें जो आप कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही अपने दिमाग को खाना दें, फिर देखें दिन जिंदगी कैसी जबरदस्त बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इलाजी, थैंक यू सो मच। तो देखिए आज मोटिवेशन से जुड़े जो ये सारे मिथ थे उनका जो सच था वो आपको पता लग गया। तो अगर आपके लाइफ में आपको लगता है कि कोई मिथ है मोटिवेशन से जुड़ा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। हम फिर जब जुड़ेंगे तब हम पूछ लेंगे भूपेन जी से। जरूर आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।